नमस्कार, ई न्यूज एमपी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना। सीधी जिले के शासकीय सीएम राइज कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सीधी में आज सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ल द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस पर ओपन जिम का जहां शुभारंभ किया गया, वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाली 70 बालिकाओं को 70,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदाय करते हुए स्कूल भवन निर्माण के दस्तावेज प्राचार्य को प्रदत्त किए गए। जी हाँ, बता दें कि शासकीय सीएम राइज कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सीधी में आज वार्षिक स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता जनपद अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह परिहार व विशिष्ट अतिथि के तौर पर समाजसेवी गुरुदत्त शरण शुक्ल मालिक एवं डीईओ डॉक्टर पीएल मिश्र सहित महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी शेष नारायण मिश्र की उपस्थित उल्लेखनीय रही। अतिथियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की प्रशंसा की गई। विद्यालय की छात्राओं द्वारा सामूहिक गीत नृत्य सहित अन्य प्रस्तुतियां आकर्षित रही। वार्षिक स्नेह सम्मेलन में जिस तरह से कार्यक्रम प्रस्तुत हुआ है, बहुत ही सुंदर। अब जहां भगवान का विवाह हुआ हो, अब उससे बड़ा आनंद क्या हो सकता है। आज आपके इस विद्यालय में भगवान का विवाह हुआ है, और हम तो धन्यवाद देते हैं माननीय विधायक जी को। जब सीएम राइज स्कूल की बात चलती थी उस समय सीधी में, तो माननीय विधायक जी ने कहा था कि उस विद्यालय को पहले सीधी में सीएम राइज स्कूल की जाए, जहां गरीब कन्याएं पढ़ती हैं, जहां दूर दूर की कन्याएं सीधी में आती हैं, वो गरीब कन्याओं को पढ़ने के लिए विद्यालय चालू किया जाए। ऐसे विद्यालय, ऐसे माननीय विधायक जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस क्या कहें, आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर सभी को शुभकामनाएं, उन बालिकाओं को भी शुभकामनाएं और बालिका के गार्जियंस को भी शुभकामनाएं, और जिन जिन लोगों की बालिकाओं को बचाने की, बालिकाओं को पढ़ाने की जिद है, ऐसे सभी गार्जियंस को शुभकामनाएं। और बालिका की समृद्धि ही देश की समृद्धि है, और इस देश की समृद्धि पर मैं आप सबके प्रति, आने वाले गणतंत्र के प्रति, आने वाली बसंत पंचमी के प्रति बहुत बहुत शुभकामना ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। सीता जी की विदाई का वो था, इन बेटियों का बहुत जीवंत रोल था, इसलिए सीता जी की विदाई पर रोना। सीधी जिले में होने वाले गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह के गरिमामयी आयोजन के लिए छत्रसाल स्टेडियम में आज अंतिम रिहर्सल की गई। कलेक्टर साकेत मालवीय तथा पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार श्रीवास्तव ने रिहर्सल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सलामी देती हूँ। कोई नंबर एक होम गार्ड लाइन श्री मयंक तिवारी, श्री बी डी रावत के नंबर पर। कोई नंबर दो सलामी सचिवी जिला बंसी जी तरुण कुमार भेड़िया। टोली नंबर तीन जिला होमगार्ड सीधी श्री चंद्रकांत तिवारी के नेतृत्व में। टोली नंबर चार वन विभाग सीधी नीरज कुमार के नेतृत्व में। टोली नंबर पांच संजय गांधी सुरेश महाविद्यालय सीधी सीनियर सीधी
अपने संकल्प में। सीधी जिले के पश्चिमांचल चुरहट में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ महिला कार्यकर्ता अवंतिका तेज बहादुर सिंह द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस पर अपने अंदाजों में घर घर जाकर महिलाओं को जागृत किया जा रहा है एवं इच्छुक महिलाओं को सदस्यता भी दिलाई जा रही है। अवंतिका तेज बहादुर सिंह द्वारा बताया गया कि आम आदमी पार्टी महिलाओं व गरीबों की पार्टी है और यह 10 वर्षों से राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। जय आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं अवंतिका तेज बहादुर सिंह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आम आदमी पार्टी के महिला मोर्चा का अभियान चलाया जा रहा है जिसमें मैं सशक्तिकरण के लिए अपने क्षेत्र की अपने ग्रामीण की महिलाओं को एकत्रित करके उन्हें सदस्यता देकर सदस्यता अभियान चलाने का कार्य कर रही हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली पंजाब में हमारे जो नेता हैं केजरीवाल जी उनके द्वारा महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गई हैं जैसे शिक्षा फ्री है बिजली पानी रोजगार की हमें यहाँ महिलाओं को वह स्थान प्राप्त नहीं है जो होना चाहिए। आज जातिवाद रूढ़िवादिता अशिक्षा हर जगह व्याप्त है जिसके लिए हम महिला भी आज जागरूक हो चुकी हैं और सरकार को यह ईंट से ईंट देकर। इसी के साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। प्रदेश व विंध्य क्षेत्र की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube, Facebook, WhatsApp से जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप रोज की खबरें हमारे वेबसाइट www.enewsmp.com पर भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा Google Play Store पर हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक बने रहिए eNewsMP पर। धन्यवाद।